तो दोस्तों श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस बार 19 सितंबर मंगलवार के दिन पितृ पक्ष की अमावस तिथि है, जिसे सर्वपितृ अमावस भी कहते हैं। इस विशेष पर्व काल में पितरों की तृप्ति और पद वृद्धि के लिए किया गया पूजन विशेष फलदायी रहेगा। तो यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि आप अपने सभी संकटों से, दुर्भाग्य से, बैड लक से मुक्ति चाहते हैं, तो आप 19 सितंबर मंगलवार के दिन दोपहर 11:53 के पश्चात, ध्यान रखिएगा, दोपहर 11:53 से अमावस तिथि लग जाएगी। चूंकि पितरों का तर्पण जो तर्पण है वो दोपहर के समय बताया गया है, इसलिए सर्वपितृ अमावस वाला जो तर्पण है वो 19 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को अमावस तिथि सुबह 11 ही खत्म हो रही है। आप सभी इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। तो श्राद्ध कर्म जो है अमावस वाला वो 19 को किया जाएगा, क्योंकि 20 को जो अमावस है वो देव कार्य अमावस्या है और 19 को जो है वो पितृ कार्य अमावस है। आप सभी इसका ध्यान रखिएगा और तिथि के ऊपर निश्चित तौर पे अपने पितरों के निमित्त जो आप श्राद्ध करेंगे उन्हें पूर्ण सुख प्रदान करेगा। वर्ष भर में सदैव पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर श्राद्ध करना संभव न हो, तब भी सर्वपितृ अमावस पर सबके लिए श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। 2 थाली लगाइए, 1 महिला की 1 पुरुष की, क्योंकि किसी भी रूप में आपके जो पितर हैं, चाहे वह अभिषेक भी हुआ हो, तो 1 महिला और 1 पुरुष के नाम से 2 थाली लगाइए, क्योंकि पितृ पक्ष की अंतिम तिथि है। उसी अनुसार शास्त्र में बताया गया है कि श्राद्ध के लिए अमावस्या की तिथि अधिक योग्य है, जबकि पितृपक्ष की अमावस्या पितृदोष को खत्म करने के लिए, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए सर्वाधिक योग्य तिथि मानी जाती है।